नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अनप्लगिंग। जी हाँ, आज हम आए हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, इंडिया के नॉर्थ के सबसे बड़े फैशन टीवी सैलून पर, जो कि लुधियाना में किप्स मार्केट के पास ओपन हो चुका है। एंड दिस इज़ द मोस्ट लग्जूरियस स्पा एंड सैलून एवर। तो आज हम यहाँ को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ पे देखने वाले हैं क्या क्या फैसिलिटीज, सर्विसेज और कैसे हमें लग्जरी फील्स मिलती हैं। एंड इस चैनल पर सिर्फ नॉलेजेबल कंटेंट ही मिलता है, सो जस्ट एक्सप्लोर द नॉलेज विद द एंटरटेनमेंट। एंड हम आज, मेरे को पता, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है इस सैलून को देखने के लिए, इस स्पा सेंटर को देखने के लिए एंड एस्थेटिक सेंटर जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो हम एक्सप्लोर करते हैं सबके साथ यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं। जस्ट कम इन। In the biggest luxurious saloon of Ludhiana, and Yatin ji will assist us all about the fashion TV saloon. Hello sir, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। तो आइए, most welcome to the fashion TV. Thank you so much sir. चलो आपको दिखाते हैं सर अपना fashion. Yeah sure. Most welcome. तो basically ये हमारा waiting area है, अब हमारे पास आइए services के लिए, then आपको यहाँ पे बैठ के आपको guiding कर दी जाएगी सारी services, जैसे हमारे पास हर तरह के treatment, face से लेकर hair, full body toning, ठीक है। तो यहाँ से हम start करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बार है, यहाँ आपको आप सारी नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप कॉफ़ी ले सकते हैं, हमारे पास स्पेशल सीसीडी मशीन है, यहाँ पे बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती है, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया, यहाँ पे हमारे स्टाइलिस्ट हैं यहाँ पे भी। और आइए आप, तो ये हमारा स्पेशल कपल पेडिक्योर रूम है, आप हम अपने कपल के साथ अपॉइंटमेंट बुक करके स्पेशल अरेंजमेंट हम आपके लिए बुक कर सकते हैं। जैसे आपको बर्थडे प्लान करना है या कोई सरप्राइज विज़िट करनी है, आप अपने कपल के साथ आ सकते हैं। और बाकी वीडियोस आप हमारे फैशन टीवी चैनल पे देख सकते हैं, हमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा नेल आर्ट के लिए, नेल एक्सटेंशन, नेल आर्ट, एवरीथिंग। एंड ये हमारा फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है, आपको दूसरा फ्लोर दिखाते हैं। तो आइए, यहाँ पे हमारा स्पा एरिया है, वीआईपी रूम्स, यहाँ पे आप मेकअप के लिए रेडी हो सकते हैं। ये भी सेम वैसे ही है, बस अलग कंसेप्ट के साथ। यहाँ पे टीवी भी लगा, आप मूवी साथ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हेयर कट हो गया, हेयर वॉश। हमारे पास तीन चार डिफरेंट डिफरेंट रूम्स है विद अलग अलग कंसेप्ट के साथ। हमारे पास सिक्स रूम्स है वीआईपी, जहाँ पे आप आके स्पेशल सर्विसेज ले सकते हैं हमारी। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम फैशन टीवी के लिए, तो ये सारा अपना स्पा एरिया आ गया। इतने कपल स्पा है, इतने अपने तुम कपल के नाल सर्विस, स्पा, जकूजी, स्टीम रूम, सब कुछ अवेलेबल है। जो तुम कपल के विच नहीं आने, दैन तुम सिंगल सर्विसेज लेनी है। स्पा एवर, यस। ये आपको दिखाते हैं तुर्किश हमाम, ये पूरे इंडिया में सिर्फ हमारे पास है। ये एक तरह का हॉट बेड है, इसके अंदर कॉइल्स हैं जो कि यहाँ अंदर से कॉइल्स गर्म होते हैं, हॉट बेड होते हैं। यहाँ पे आपको लेटा के आपके सारे बॉडी वॉश होते हैं, बॉडी स्क्रबिंग करते हैं, यहीं पे आपको नहलाते हैं। इससे बॉडी की जो हीट निकलते हैं वो बॉडी के एक्सफोलिएट करते हैं, जो हमारे डेड स्किन सेल्स होते हैं वो अच्छे से निकल जाते हैं और आपको एक बॉडी को एक रिफ्रेशिंग फील करवाते हैं। यहीं पे आपके सब कुछ सर्विसेज आप देख सकते हैं, ये पूरे इंडिया में सिर्फ हमारे पास ही है यहाँ पे। अब ऊपर आके आपको दिखाते हैं हमारे एस्थेटिक की सर्विसेज। तो आइए, यहाँ पे हमारे एस्थेटिक की सर्विसेज, जो हमारे ग्रुप ऑफ डॉक्टर जो वहाँ पे वर्क करते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम डॉक्टर कमल मेडिकल एसोसिएशन। हेलो मैम, तो आइए आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, आप हमारे एस्थेटिक की सर्विसेज के बारे में बताइए। Hello everyone, I am Dr. Kamal from FTV Aesthetic Center, and today we will tell you about our all services which we provide in our aesthetic department. So let's come. This is our operation theater basically. So
So here we perform our hair transplant and minor surgeries, which are done under local anesthesia. So we have set of operations which we do, like we do liposuction, tummy tuck, we do breast implants, butt implants, which are done by plastic surgeon Dr. Ashish Gupta. So we perform minor to major, everything which comes under the aesthetic look from head to toe. Okay. Right? So that is the major part of aesthetics. Aesthetics. कुछ females ऐसी होती हैं कि pregnancy के बाद उनमें weight gain हो गया है and she is not able to go for कि उनके पास time ही नहीं है अपने लिए कि मैं gym जा सकूँ कुछ कर सकूँ but she want to look beautiful तो उसमें हम mummy makeover करते हैं तो head to toe कोई भी उनकी deformity है कोई भी उनको लग रहा है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स हो गए मेरे को एवरीथिंग शी वांट टू लुक ब्यूटीफुल पहले जैसा दिखना चाहती है कि मैं व्हेन आई वाज 22 व्हेन आई वाज 25 मैं वैसी दिखूँ रिंकल्स आ गए फाइन लाइंस आ गई डार्क सर्कल्स आ गए वो सब हम यहाँ पे माइनर एंड मेजर का कंबाइन करके या फिर किसी में सिर्फ कम लगना है तो वो करके हम उसको अचीव कराते हैं उसका गोल एंड एस्थेटिक इज अ रेगुलर प्रोसेस ऐसा नहीं है एक सिटिंग करके आपका कोई ऐसे मिरेकल हो जाएगा सो वी टीच पीपल जो हमारे पास आते हैं 25 ईयर एज के 22 के कि आप अभी से छोटी छोटी सर्विसेज छोटे छोटे प्रोसीजर्स करवाओ जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं सैलून या पार्लर से फेशियल्स कराते हैं बट उसका क्या फ़ायदा अगर आप सोचो वो तो एक एक्सटर्नल मसाज हो रही है दैट इज़ फॉर रिलैक्सिंग ओनली पर उसके ड्रॉबैक्स हैं अगर उसने कोई ब्लीचिंग एजेंट लगा लिया तो इट इज़ ऑल्सो कैंसर कॉजिंग कुछ और आपको रैशेज हो सकते हैं एलर्जी हो सकती है बाद में धूप में जाओगे वही एरिया आपका काला हो जाएगा वो स्क्रब कर रहे हैं बहुत ज़्यादा उससे पिट्स बनती हैं हम सोचते हैं डेड स्किन निकल रही है शाइन आ गई पर वो पिट्स भी बना रही है खड्डे बना रही है आपके फेस पे स्किन लटक रही है बिकॉज एक्सेसिव मसाज आप करवा रहे हो तो उसके लिए हमारे पास छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं जैसे हाइड्रा फेशियल आई विल शो यू अभी ठीक है हॉलीवुड फेशियल है विच इज़ डन विद अ मशीन ओनली वो आप करा सकते हो दीज आर माइनर केमिकल फील करा सकते हो स्क्रब मत कराओ गो विद द केमिकल एक्सफोलिएशन विच इज़ मच बेटर ठीक है उससे भी आपकी पीलिंग हो जाएगी स्किन निकलनी शुरू हो जाएगी मेरी खुद की निकल रही है अभी स्किन इस टाइम पे तो दैट इज अ गुड थिंग एंड दिस इज वॉट द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग इंडस्ट्री इज चेंजिंग ब्यूटी इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई है ये सब चीज़ें पिछले दो डेकेड से हैं मतलब 20-25 सालों से इंडस्ट्री में है बट लोग अब नॉलेजेबल हो रहे हैं अभी भी बहुत एक बड़ा सेगमेंट है स्पेशली इंडिया में कि जो अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके बट वी आर मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट दिस कि ये ऐसा होता है ये करना चाहिए एंड पीपल आर अडैप्टिंग दीस थिंग्स दैट्स व्हाई आई आल्सो प्रमोटेड दिस वीडियो के हां ये चीजें एक बार नॉलेज आनी चाहिए और पता होना चाहिए और लोग डरते बहुत है फ्रैंकली बताऊं कि ये मशीन से हो रहा है कहीं मेरी स्किन ख़राब तो नहीं हो जाएगी बट आप सैलून और पार्लर में इतने सालों से ब्लीच लगवा रहे हो डी टैन लगवा रहे हो या कोई स्टेरॉयड वाली क्रीम लगा रहे हो उससे तो आप डरे नहीं कभी मोटा वाला स्क्रब यूज़ करते हो कोई एप्रिकॉट वॉलनट ये वो जो भी उस पर लिखा होता है उससे आपकी स्किन इरोड हो रही है उससे आप कभी नहीं डरे बट जो सही ट्रीटमेंट है उससे डर जाते हैं सो पीपल आर वेरी क्या यूज़ कर रहे हैं यू डोंट नो बट अब स्टडीज़ में आप पढ़ोगे कि जो इंस्टेंट शाइन या इंस्टेंट ग्लो आपको पार्लर से मिल रहा था उसमें पढ़ो क्या है वो कोई कैप्सूल लगा रहे हैं कुछ निकाल के लगा रहे हैं वो स्टेरॉयड है और आप आई हैव सीन सो मेनी क्लाइंट्स इन माई करियर कि पहले वो बोलते हैं वो पार्लर वाले से ऐसे मेरा आ गया ग्लो उसने कुछ क्रीम लगाया मेरा 5-10 दिन ग्लो रहा पर महीने बाद मेरी वो स्किन काली पड़ गई सो ब्यूटी इंडस्ट्री के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं सो यू हैव टू चूज कि चाहे मेरा लेट रिजल्ट आए मुझे मल्टीपल सेशंस लेने पड़े पर वो सेफ होना चाहिए मेरे लिए सेफ एंड सिक्योर या तो चलिए दिस इज द बेसिकली ऑपरेशन थिएटर ऑफ ओटी या सो दिस इज आवर प्रैक्टिस रूम नंबर 1 दिस इज आवर हाइड्रा फेशियल मशीन So what is this basically? This is Aqua Pure Hydra Facial setup machine which have its own set of serums for different kind of people. It has mixture of serums and very mild peels
विच हेल्प्स इन एक्सफोलिएशन. अगर आपके डेड स्किन है फेस पे तो उसको एक्सफोलिएट करती है. जो ये टिप आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ फॉर सक्शन. जैसे वैक्यूम क्लीन करता है एक सोफ़ा में से अंदर से डर्ट निकालता है, वैसे ही ये जो सक्शन है ये आपके जो पोर्स में डर्ट है, फीमेल्स में मेकअप रेजिड्यूज रह जाते हैं. अब बाहर जा रहे हो आउटफील्ड, मोस्टली मेल क्लाइंट्स क्या आउटडोर जॉब कर रहे हैं, फील्ड विजिट्स पे जाते हैं, किसी का कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो जो मिट्टी आपके फेस पे रह जाती है, डेड स्किन आपके फेस पे हर दिन बनती है, तो उसको कैसे निकालेंगे आप? फेस वॉश नहीं वो काम कर सकता, स्क्रब वो नहीं काम कर सकता, तो उसे हम सक्शन से निकालते हैं. जब ये उसको सक आउट कर रहा होता है, सेम टाइम पे ये जो सीरम्स हैं ये वो साफ पोर के अंदर चले जाते हैं उसको हाइड्रेट करने के लिए. तो जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है, हम उनको बोलते हैं कि आप वो जो ड्राई और डेड स्किन है वो इससे आप क्लीन करा सकते हो, एंड सेम टाइम पे वो इसको हाइड्रेट कर देगा पोर को. ये जो हमारे प्रोब्स हैं, अगर आप देखो, दीज आर फॉर यू नो रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें होती है, ये कंटूरिंग में, मसल को रिलैक्स करने में, टोन करने में हेल्प करते हैं. तो अगर आप एक सही टाइम पे सही एज में इसको स्टार्ट करते हो, आपके डेड स्किन निकल रही है, पोर साफ हो रहे हैं, पोर टाइटनिंग इनसे आपकी हो रही है, तो आपको बाद में जाके बड़े ट्रीटमेंट नहीं कराने. दिस इज़ द बेसिक ट्रीटमेंट विच इज़ हाइड्रा फेशियल. ये आपको बाहर बहुत यू नो जगह पे हाइड्रा फेशियल मिलेगा. डिफरेंस पूछते हैं लोग क्या है उसमें और इसमें. देखिए टेक्नोलॉजी वेरी कर जाती है. दिस इज़ अ मशीन जो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगी कहीं से. दिस इज़ अ वेरी हाई एंड मशीन, एक्वा प्योर. आप खुद भी सर्च कर सकते हो, मार्केट में आपको 30,000 से स्टार्टिंग मिल जाती है मशीन की. वो क्या ही करेगी, उसमें क्या ही टेक्नोलॉजी यूज़ हुई होगी, या वो क्या ही सक्शन कर लेगी. हो सकता है वो ओवर सक्शन कर देगी, स्किन ही छिल गई आपकी, एंड यू विल बी इन इम्प्रेशन कि इनकी मशीन भी ऐसी होगी. बट टेक्नोलॉजी वेरी कर जाती है, एंड आप कहाँ से करा रहे हो, एक ब्रांड वैल्यू होती है, ट्रस्ट होता है ब्रांड के ऊपर, वो हम आपको सर्व करते हैं. एक एक्सपीरियंस हम यहाँ पे सर्व करते हैं आपको. व्हेन यू कम विद द, चाहे वो छोटी ट्रीटमेंट लेने आए हो या बड़ा एक कोई ट्रांसप्लांट कराने आए हो, वी गिव यू अ एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट अ ट्रीटमेंट. ठीक है, ताकि आपको वो याद रहे. एंड इट इज़ अ वेरी गुड रिलैक्सिंग थेरेपी. जैसे कईयों के मसल स्टिफ हो जाते हैं, कईयों के पफिनेस अंडर आई आ जाती है जस्ट बिकॉज स्ट्रेस है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, तो ये उसको ड्रेन करने में भी हेल्प करता है. सो यू फील रिलैक्स्ड. तो कई लोग तो सो ही जाते हैं व्हेन दे गेट द यू नो थेरेपी डन. बेसिकली लोग जब पार्लर्स पे जाते हैं, वहां पे 300, 400, 500, 1000 का मेकअप करवाते हैं, बेसिकली वो स्किन को सूट नहीं करता, वो हार्म कर रहे हैं स्किन को. यहां पे स्किन को बेसिकली ट्रीट कर जाते हैं. सो इवन जब ब्राइडल मेकअप्स होते हैं या नॉर्मल मेकअप, या कुछ लड़कियों को रेगुलर बेसिस पे मेकअप करना पसंद है, इवन द मेकअप आर्टिस्ट वो खुद भी मेकअप करते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि वंस यू आर डन विद योर मेकअप सेशन, सपोज किसी की शादी है, गर्ल्स कम बैक विद पिंपल्स, चाहे उसके लाइफ में कभी पिंपल्स नहीं हुए. सो हम उनको पहले ही एजुकेट करते हैं कि जैसे ही आपके मेकअप सेशन हो गए, उसके बाद एक बार आप पहले हाइड्रा लो. Okay. कि जो मेकअप अंदर रह गया है उसको आप रिमूव कराओ अच्छे से, देन घर पे अपनी स्किन केयर करते रहो आप. ठीक है, तो वो पिंपल बनेगा नहीं आपका. बट हमें क्या, महीना हो गया मेकअप करते हुए, फिर उसके बाद हम घूमने चले गए, कुछ हो गया, फिर हम आए नहीं, फिर वो आप आओगे विद पिंपल्स, देन यू विल गेट योर पिंपल ट्रीटमेंट डन ओवर हियर, द एक्ने ट्रीटमेंट बेसिकली. हाँ, क्योर, एग्जैक्टली. This is laser hair reduction machine. Basically, the mod which is used in this is diode, जो most frequently Indian you know hairs के लिए हम use करते हैं. तो basically ये हर skin type के लिए, हर hair type के लिए है. तो आजकल तो everybody want कि painless procedures हों, कि हमारे hair reduce हो जाएं. Even male client, female client and also the transgenders, जिनको हेयर नहीं चाहिए अपनी बॉडी पे, किसी ने बॉडी बना रखी है, लड़कियां हैं तो दे वांट कि भाई वैक्सिंग ना करानी पड़े. फॉर ऑल बॉडी एरियाज, बीट योर प्राइवेट पार्ट्स, अंडर आर्म, बियर्ड शेपिंग के लिए लड़के इसको करा सकते हैं. मिनिमम सिटिंग्स लगती हैं एंड एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट वी आर प्रोवाइडिंग दिस. ठीक है, एंड इट इज़ सेफ, FDA अप्रूव्ड. दैट इज लेजर हेयर रिडक्शन मशीन डायोड. दिस इज़ आर सेकेंड रूम. This is a Q switch machine. So this is for two different purposes. Number one is tattoo removal. So any kind of tattoo removal, like if it is colored one or it is a black tone,
तो हम इसके साथ उसको रिमूव करते हैं. हमारे पास अलग अलग प्रोब होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए. अदर देन दैट इससे हम हॉलीवुड फेशियल कह लो स्लैश कार्बन फेशियल स्लैश ट्रिपल टोनिंग भी करते हैं फेस की, विच इज़ वेरी फेमस एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बहुत ट्रेंड है. जितने भी आपके हॉलीवुड के सेलेब्स हैं बॉलीवुड के सेलेब्स हैं वो फैन हैं इस चीज़ के. सो दिस इज़ आर अनदर मशीन विच मेक्स प्लेटलेट सेल्स. सो बेसिकली व्हाई वी मेक प्लेटलेट सेल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जो प्लेटलेट्स आपके होते हैं वो एंटी रिंकल ट्रीटमेंट्स में या फिर फेस रिजुविनेशन में, हेयर फॉल के क्लाइंट्स में, हेयर थिनिंग के क्लाइंट्स में हम यूज़ करते हैं. बेसिकली इंजेक्ट भी करते हैं एंड सुपरफिशियली लगा के माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं. सो वी मेक दोज प्लेटलेट सेल्स इन दिस, राइट. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मशीन एंड वेरी हेल्पफुल वन. तो अगर मैं बात करूँ सबसे छोटे प्रोसीजर के लिए इसको क्यों यूज़ करेंगे, दैट इज़ फॉर रीसर्फेसिंग ऑफ योर फेस, ताकि जो सुपरफिशियल स्किन है वो आपकी निकल जाए. बी ड्यू टू पिट्स की वजह से टेक्सचर आया है या पिंपल्स की वजह से टेक्सचर आया है या फिर कोई और डिफॉर्मिटी थी फेस की उसकी वजह से. अदर देन दैट ये विजाइनल टाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है. इसमें डिफरेंट प्रोब्स यूज़ होते हैं. इफ़ समवन वांट टू नॉट टू गो विद द सर्जरी तो वो लेज़र के साथ भी विजाइनल टाइटनिंग का ऑप्शन जो फीमेल क्लाइंट्स हैं वो ले सकती हैं. सो दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव मशीन. So come, I'll show you our open spa and which is a very happening place in the building. So you can have a look. So here we do the manicures, the pedicures and winters mein bahut happening place hai kyunki agar kisi ko sun bath bhi lena hai and saath ke saath they want, you know, they want to have a session with their friends, do teen jane aa gaye and we also have a open cafeteria. सो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ. यू कैन हैव योर सेशन ऑल्सो, नेल आर्ट भी साथ में करा सकते हैं एंड यू कैन चिट चैट लाइक अ मिनी किटी, ठीक है, वो कर सकते हो आप यहाँ पे. सो दिस इज बेसिकली द वाओ फैक्टर ऑफ एफटीवी. ये ओपन सैलून, फर्स्ट टाइम ओपन रेस्टोरेंट्स, ओपन बहुत कुछ आपने देखा होगा बट ओपन सैलून यहाँ पे एंड विद ऑल द सर्विसेज बाय द प्रोफेशनल्स ओनली. सो गाइस, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था द माइंड बिहाइंड द एफटीवी सैलून स्पा एंड एस्थेटिक सेंटर. सो वी आर विद डॉक्टर मनीषा जी जो पूरा इस एम्पायर को संभाल रहे हैं. सो लेट्स जॉइन विद हर एंड मैम वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर हैविंग मी. मोस्ट वेलकम मैम. एंड बेसिकली आई वांट टू आस्क यू व्हाट इज द माइंडसेट बिहाइंड दिस एम्पायर. सी बेसिकली आई एम अ डॉक्टर एंड वी वांटेड टू गिव अ स्टेट ऑफ आर्ट हेल्थ सर्विसेज टू द इंटायर नॉर्थ इंडिया विच वी अचीव विद द ओरिसन हॉस्पिटल एंड मेयर डायग्नोस्टिक सेंटर. सो वी वॉन्टेड टू कम विद स्टेट ऑफ आर्ट फैशन एंड एस्थेटिक यूनिट ऑल्सो. दैट्स वाई वी बॉट अ इंटरनेशनल ब्रांड टू द नॉर्थ इंडिया. ग्रेट मैम. एंड बाय प्रोफेशन यू आर अ डॉक्टर. आई थिंक यू आर गायनी ना, गायनियन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट. So, how you came into this aesthetic line basically? Basically, I was doing surgical aesthetics in Orison already. I was doing the surgical part. There are multiple things in the surgery. Operation bahut sare hunde hai, jisde naal tuhade face, tuhade body parts nu hor acha you can show it. Te oh cheez main already kar rahi si. Oh karde karde we start developing for the non-surgical. Jive patient hi aake kehne lag gaye ki surgery nahi ma'am, tusi non-surgical option dasso. ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ, ਇਨ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੇ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦ ਐਫਟੀਵੀ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਮ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੈਪਰੇਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਫਰੋਮ ਦ ਅਦਰ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ? बेसिकली हमारा कोई कंपटीशन किसी के साथ है नहीं है बिकॉज नॉर्थ इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड इस स्टेटस में नहीं है. दे आर ऑल अपने रूटीन ब्रांड्स हैं बट इंटरनेशनल कंपनीज के ब्रांड कोई भी नहीं है. सो बेसिकली आई डोंट हैव एनी कंपटीशन. येस, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम सर्विसेज इन अ गुड वे बट उनसे क्या डिफरेंट है, एक तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने खुद पढ़ के विद द स्पेशल रिकमेंडेशन विद द फैशन टीवी उनकी कॉम्पोजिशंस देखी हैं जिसमें केमिकल्स नहीं है, पैराफिन नहीं है, सिलिकॉन नहीं है. ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हर प्रोडक्ट में पाई जाती हैं, तो वो चीज़ें हमने फ्री की हैं ताकि आपकी स्किन और हेयर बेटर क्वालिटी में रहें और उसके विजिबल रिजल्ट्स भी हैं. सो वो कुछ ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश की हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स लाने की कोशिश की हैं जो कि नहीं अवेलेबल थी या लोगों को अपने यहाँ अवेयरनेस नहीं थी. मतलब एवरी प्रोडक्ट एनीथिंग यू जस्ट ट्राइड
सो वो टेस्टेड है बेसिकली मेरे पे ही टेस्टेड है ओके आप पे ही टेस्टेड है एंड दिस इज एफिलिएटेड विद एफटीवी यस ओके सो एफटीवी इज अ इंटरनेशनल ब्रांड एंड हर एक चीज यहाँ पे जो भी यूज की जाती है बाय प्रोफेशनल्स ओनली एंड उसको बहुत ही प्रिकॉशन से यूज किया जाता है विद प्रॉपरली एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ सो बेसिकली मैम आजकल ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है यूथ से भी एंड बाकी लोगों से भी वो कोई भी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं एंड उसको पढ़ते नहीं है दे डोंट एनीबॉडी डोंट गाइड देम कि वो क्या प्रोडक्ट अपने ऊपर लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं बट दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स सो एनी वन ऑफ द एडवाइस यू वांट टू गिव सी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवाइस है एक्चुअली हमारी जनरेशन जो है उनको खुद ही नॉलेज नहीं थी कि स्किन केयर या हेयर केयर कुछ होता है सो हमारी जनरेशन हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ नहीं बता पाते सो व्हाट आई एडवाइस इज कि अपने बच्चों को या अपने आप एक कंसल्टेशन ज़रूर करवाएं डॉक्टर से टू नो द स्किन एंड हेयर टाइप एक बार आपको अपना एक्चुअल पता चलता है देन उसके एक प्रॉपर मॉर्निंग और नाइट रिजीम्स होते हैं स्किन केयर जो है वो ये नहीं है कि 20 साल से शुरू करनी है या 30 साल से शुरू करनी है इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो हम हमेशा कहते हैं कि हाँ जी बच्चों के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए बड़ों के नहीं क्यों नहीं बड़ों के क्योंकि बड़ों के में केमिकल्स होते हैं सो वो एक्चुअली स्किन केयर तो हमारी स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गई है बट हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं एक बार बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ छोड़ दिया चलो हो गया स्किन केयर खत्म हो गई ऐसा नहीं है स्किन केयर शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड इट शुड बी कंटिन्यूड थ्रू आउट योर लाइफ ऐसा नहीं है कि आज ये है स्किन केयर तो हमने छोड़ दिया एवरी ऑब्वियसली जैसे फीमेल्स में मेल्स में हार्मोनल चेंजेस आते हैं स्किन टेक्सचर नहीं चेंज होता बट अंदर हार्मोन्स के कारण हमारे एक्ने या हेयर फॉल ये सब कुछ स्टार्ट होता है तो वी नीड एडिशनल हेल्प वो घर के नुस्खे या हम यूट्यूब या ये कुछ देख के हम डेफिनेटली दे आर गिविंग अस नॉलेज ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज नहीं दे रहे बट देन यू हैव टू गो फॉर द राइट थिंग्स क्योंकि कॉम्पोजिशंस अगर आप कहते हैं पारुल जी की कॉम्पोजिशंस देखनी चाहिए वो नॉर्मल बंदे को नहीं पता चलता है मैंने भी इसके लिए पढ़ा है तो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि इस चीज़ में ये होना चाहिए या ये इस क्वांटिटी में है इसका एडवांटेज है कि नहीं है सो जनरल पॉपुलेशन को मैं नहीं कहूँगी कि उनको पता होगा बट येस यू शुड हैव अ प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर हेल्प एक बार आप अपना समझ गए हो कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए देन यू कैन यू नो एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट विद योर स्किन एंड हेयर ग्रेट मैम सो बेसिकली वी आर सिटिंग इन द वाव फैक्टर ऑफ एफटीवी सैलून एट लुधियाना व्हिच इज एट मल्हार रोड नियर किप्स मार्केट So this is the wow factor. We are in the open area cafeteria. And ma'am, I just need a favor from you. I basically need some your guidance and tips for and tricks for the grooming. Parul ji, आपको तो ज़रूरत नहीं है. You are already very groomed. आप FTV में पहले से आ रहे हैं लगता है. नहीं, definitely देखो grooming का जो part है वो again skin type. अपनी skin अच्छी है, आपका hair अच्छे हैं, आपकी grooming automatically अच्छी होगी है. So what basically we have to work on is a better skin quality with proper morning and night regimes जो कि हमारे किसी के regimes होते ही नहीं हैं Nobody knows कि morning regimes क्या हैं या night regimes क्या हैं Most of the population जो ये सुन भी रहेगी उनको खुद भी नहीं पता कि हमने दिन में क्या लगाना है night में But what important tip I want to give is कि SPF ज़रूर लगाना है ज़िंदगी में या morning में आप उठते हो और कुछ भी नहीं और आप apply करते but SPF is one thing which should be applied. इसका कुछ और तोड़ ही नहीं है SPF एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके स्किन कैंसर्स तक को प्रिवेंट कर सकती है आपकी एजिंग को प्रिवेंट कर सकती है तो और कुछ नहीं तो प्लीज SPF जरूर लगानी है आपने SPF सनस्क्रीन प्रोटेक्शन होती है जो कि बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस ऑफ सन हमारी स्किन डैमेज होती है जो हमारी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है या हमारे छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स होते हैं बहुत लोगों के होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो स्किन जो सन रेज यूवी रेज हैं वो हार्म करती है स्किन को सो हमारे पास कोई बैरियर नहीं है हम जब नहा के आते हैं हमारी स्किन इज एज सॉफ्ट एज पॉसिबल उसके ऊपर हम मैक्सिमम एक मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं बट मॉइस्चराइजर डजंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज तो वो यूवी रेज जो हार्म करती हैं स्किन को इट डैमेज द सेल्स इट कैन लीड टू स्किन कैंसर्स ऑल्सो इट कैन लीड टू हाइपर पिगमेंटेशन बड़े बड़े काले धब्बे बन जाते हैं छोटे छोटे फ्रेकल्स बन जाते हैं सो वो चीज़ें प्रिवेंट हो सकती है प्लस एजिंग जितना आप यू वी रेज को ज़्यादा एक्सपोज हो उतनी ज़्यादा एजिंग जल्दी होती है So SPF is one very good tip which everybody should use. इसमें कोई चाहिए नहीं है कि ये छोटा बच्चा नहीं use कर सकता या old people नहीं all age group should use SPF. Great ma'am, thank you for the tip. And can I ask you some rapid questions? Yeah, sure. Okay, ma'am, your favorite food?
चिकन. ओह ग्रेट. योर फेवरेट स्पोर्ट? स्विमिंग. स्विमिंग. योर फेवरेट प्लेस? लुधियाना. लुधियाना. योर रोल मॉडल? माय हस्बैंड. ग्रेट मैम. योर फेवरेट मूवी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. दैट्स माय फेवरेट आल्सो. दैट्स द उस मूवी को जब मर्जी देख लो, जैसे मर्जी मूड. इट हैज मिक्सचर ऑफ ऑल द इमोशंस. ग्रेट मूवी. एंड योर फेवरेट सेलिब्रिटी? यू. ओह पारुल जी, थैंक यू सो मच. एंड द व्यूअर्स, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि बाय रिक्वेस्ट मैंने मैम से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की, जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए हम क्या बेस्ट दे सकते हैं. तो मैम है जस्ट गिवन दैट के आप अगर आके इस वीडियो को रिसेप्शन पे दिखाते हैं कि दैट यू हैव वॉच दिस वीडियो ऑन पारुल चावला नॉलेज अनप्लग्ड, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे. एंड मैम आप थोड़ा सा कुछ प्राइसिंग का गाइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज होंगे, तो आप उसके लिए थोड़ा सा कुछ गाइडेंस. नहीं, प्राइसेस इट्स नॉट हाई. इसमें देखो ultimately it's the product which is good quality product, international quality products have been used, but pricing is same as other market, but we have the higher range also. aisa nahi hai ki hamare paas sirf jo market range hai wo hi hai, we have the market range jo ki market mein ek normal range chal rahi hai har cheez ki, chahe wo hair cut hai, chahe wo facials hain, chahe wo manicures hain, chahe pedicures hain, chahe aesthetics hain, to wo ek basic jo baaki jagah use ho raha hai wo to wo pricing to hamare paas hai, but we have हायर एंड थिंग्स ऑल्सो लाइक फोटो फेशियल्स या बॉलीवुड फेशियल्स, वो भी चीज़ें हमारे पास हैं जो कि पहले यहाँ अवेलेबल ज़्यादा नहीं थी. सो वी हैव इंटायर रेंज फ्रॉम द लोअर टू द मिडल टू द हायर रेंज, तो हमारे पास सारी रेंज है. दिस इज यू हू हैव टू डिसाइड वॉट टू बी डन. ग्रेट मैम. मैम आई जस्ट अप्रिशिएट योर टाइम यू हैव गिवन टू मी. थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग माई वर्ल्ड, क्योंकि मेरे लिए ये दुनिया बहुत ही इंस्पायरिंग है. एंड मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिकली नॉलेज आपको प्रोवाइड करता हूँ, एंड मैं यहाँ की लोकेशन जो एफ टी वी सैलून स्पा एंड एस्थेटिक की लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी. यहाँ के आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज पैकेजेस एंड ह्यूज सर्विस विद द क्वालिटी. बेसिकली they are just focusing on the quality, not the quantity. आपको quality चाहिए, अपनी skin पे quality products लगवाने हैं तो you can just have a visit to this showroom. आप एक बार आइए और यहाँ पे एक बार luxury feel को अपने ऊपर करके देखें कि एक luxury feel होती क्या है. basically they just don't sell the products, they just sell the experience to you. so thank you so much ma'am to be a part of it. thank you so much. thank you for having me.